शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में नगर निगम के मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मोहल्ला समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए प्रवासी कामगारों सहित जिनके घरों में कोई सदस्य बीमार हो उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताया जाए कि जब तक आवश्यक न हो घर से ना निकले। इसके साथ नगर आयुक्त अविनाश कुमार द्वारा सभी लोगों को एक साथ मिलकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करने की अपील की। नगर निगम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास अपनी पूरी क्षमता के साथ कर रहा है। जनता इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करे ताकि कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और निगरानी समिति के सदस्यों को सही जानकारी दें ताकि यदि किसी प्रकार चिकित्सीय अथवा अन्य कोई आवश्यकता हो तो उसे उपलब्ध कराया जा सके। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप जिलाधिकारी नगर राकेश श्रीवास्तव, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण चौधरी, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, महाप्रबंधक जलकल एसपी श्रीवास्तव, सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित पार्षद, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। निगरानी समिति का जैसे टाइटल बता रहा है, आपको अपने वार्ड में डोर टू डोर सर्वे करना है। सर्वे में विशेष तौर से जो लोग बाहर से आए हैं, अन्य स्टेट से आए हैं या डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, ऐसे लोगों का चिन्हांकन करना है। और दूसरा, गांव उसी घर में कौन से लोग फ्लू के सिम्टम में हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, पूरे बदन में दर्द, ये बेसिक सिस्टम सिम्टम्स हैं जिससे ये सस्पेक्ट किया जाता है कि इसको वायरल का अटैक है। ऐसे पेशेंटों का आप चिन्हांकन करके सीएमओ कार्यालय भिजवाएंगे अपने नगर पालिका नगर निगम के माध्यम से, तो उन लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट कर लिए जाएंगे। अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको या तो होम क्वारंटाइन के लायक है तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, अगर होम क्वारंटाइन लायक नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य है आपका कि जो लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर लें। अगर आपको कोविड पॉजिटिव का टेस्ट आ जाता है किसी का, तो वो किन किन लोगों से पिछले 8-10 दिनों में मिला है, किसी दुकान पे गया है, किसी रिश्तेदार के घर चाय पीने गया है, किसी दोस्त से मिलने गया है, तो वो सब सस्पेक्टेड लोग हैं जिनको उसने वायरस शेयर कर दिया है। ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से तलाश किया जाता है। डॉक्टर्स की आरआरटी की टीमें वहाँ जाती हैं और उनके भी टेस्ट करती हैं कि आपने फलाना ए व्यक्ति आपके घर में आया था, इन इन लोगों से मिला है, हो सकता है आपने भी वायरस आया हो, तो टेस्ट करके पता लगाते हैं कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो विशेष तौर से आपका काम है निगरानी रखना, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एक्सोना एंड पार्टवर्स है, इस तरह की, और विटामिन डी है। ये मेडिसिन 4-5 दिन का कोर्स सीएमओ के यहाँ से आरआरटी की टीम उसके घर ले आती है और उनका
वायरल लोड कम होता जाता है, वो इम्प्रूव करते जाते हैं। कुछ अपरिहार्य 1% ऐसे लोग हैं जिनमें वायरल लोड ज्यादा। तीन मुख्य द्वार कह लीजिए कोरोना के आपके शरीर को प्रभावित करने वाले, वो है नाक, मुंह और आंखें। जैसे मास्क भी लोग लगाते हैं तो उसमें नाक को छोड़ के कभी खोटी करा लेते हैं, कभी मुंह करा लेते हैं, ये आपके माध्यम से घर घर तक जा सकती है। जो सांस ले रहा, छींक रहा, ढूंढ रहा है, सब सूंघ रहा है, लिमिटेड है। और ऑलमोस्ट एक आदमी को भी भर्ती कराने की गुंजाइश नहीं है। आप सभी लोगों के बीच में अपनी बात को रखने से पहले, कोरोना की जो दूसरी लहर आई हुई है और जिसकी वजह से संक्रमण की दर इतनी तीव्र है कि वो बहुत बड़ी संख्या में जनमानस के लोगों को अपनी चपेट में ले ले रही है, और कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने में जो आप सभी लोग अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं उसकी मैं तीन शब्दों में प्रशंसा को शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन मैं अपने नगर निगम के परिवार के सभी लोगों को, आप सभी लोगों को मानवता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि समय है, बहुत ही कठिन समय है, और निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में या हमारे बीच में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य हैं, इसको मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में आज की जरूरत है कि हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करें, टीम स्पिरिट का परिचय दें, एक परिवार के रूप में काम करें, तभी हम सब लोग मिलकर कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। 25 करोड़ से ऊपर की आबादी की जो जिम्मेदारी है वो सभी आप लोगों के कंधों पे डाली है। निश्चित रूप से हमारी नगर, हमारा रास्ता कठिन है, लेकिन पूरा मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर एक होकर चलेंगे, एक परिवार के रूप में चलेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना को हराने में, इस जंग में आप सभी लोग कामयाब होंगे। शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद गोरखपुर के शहरी क्षेत्र को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में डिवाइड किया हुआ है, और उसी के संबंध में हम लोगों ने जो उस जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड हैं वहाँ की जो मोहल्ला निगरानी समितियाँ हैं उनको सक्रिय करने के उद्देश्य से हम लोगों ने आज की ये बैठक भी रखी हुई है। इसके साथ साथ इसमें मुख्य रूप से हम जो कंटेनमेंट जोन है उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग से उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे, और उसमें एक ही हम लोग एंट्री गेट देंगे जहाँ कि हमारे एक हम वहाँ पर सेट बना रहे हैं, टेंटेज के सेट बनाएंगे जिसके नीचे हमारे संबंधित पुलिस के, प्रशासन के, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी नीचे बैठ के वहाँ पर से निगरानी करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी निगरानी समिति के जो सदस्य हैं, माननीय पार्षद जी, जो हमारी आशा भूमि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, हमारे सुपरवाइज़र और अन्य जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर रहकर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो कोविड प्रोटोकॉल का है उसका पूरी तरह से पालन हो। वो इस बात पे ध्यान रखेंगे क्या उस मोहल्ले में कोई बाहर से जो प्रवासी है, कोई नया आदमी आया है, उसका वो लोग टेस्ट भी कराएंगे। अगर टेस्ट कराने पे अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, अगर वो उसमें नहीं है, निगेटिव है, तो उसको होम आइसोलेशन में रखेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी, जैसे कि दूध है, सब्जी है, दवाइयां हैं, ये अन्य चीज़ें जो हैं उसको भी वो मुहैया कराएंगे, और वो इस बात का प्रयास करेंगे कि उस एरिया में ना कोई बाहर निकल पाए ना कोई अंदर जा पाए। अगर किसी को कोई बहुत ज़रूरत की चीज़ ज़रूरत पड़ती है उसको भी वो समिति के लोग या वहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसको ध्यान देंगे।
उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो नगर निगम की पूरी टीम है वहाँ के जोनल अधिकारी के नेतृत्व में, वो डेली वहाँ पर दो टाइम जो है पूरे उस कंटेनमेंट जोन को सुपर सैनिटाइज करेंगे अच्छे तरीके से, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी उनसे सैनिटाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारा मैनुअल जो है हैंड मशीनें हैं उनसे भी आदमी जो है हमारा वर्कर है वो जाकर हर घर पे हर डोर पर उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करेगा, जिससे कि जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको हम हर हाल में ब्रेक कर सकें। इसके साथ ही साथ जो है हमारे आगे वहाँ पर पंपलेट भी बड़ा सा उनको कह लीजिए कि फ्लैक्सीड का एक होर्डिंग लगी रहेगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपको यहाँ पर ये कब कंटेनमेंट जोन की संख्या क्या है, ये कब कंटेनमेंट जोन बना आखिर और कब ये समाप्त होगा उसकी डेट पूरी पड़ी रहेगी, उसमें मोबाइल नंबर लिखे रहेंगे। उसके बगल में ही हम लोग इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वालों को किन किन चीज़ों का पालन करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहने का उद्देश्य सारी एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है कि हम लोग मिलजुल कर जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको हर हाल में ब्रेक कर सकें और कोरोना से जो एक जंग चल रही है इस वक्त उस जंग को हम लोग जीत सकें। देखिए इसमें निश्चित रूप से चूँकि कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है इसमें बहुत ही तेज़ी से लोग संक्रमित हो रही है, इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है। इसकी वजह से पहले जो छोटे छोटे एरिया में कंटेनमेंट जोन बने उसको हम लोग ने बड़े एरिया में कंटेनमेंट जोन बना दिया, बड़े एरिया को कवर कर लिया है और उस एरिया में रहने वाले उसकी हमने पूरी फूल प्रूफ व्यवस्था है। वहाँ की मोहल्ला समितियाँ रहेंगी, पुलिस के अधिकारी होंगे, राजस्व प्रशासन के अधिकारी होंगे, नगर निगम के अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो ICDS है, जो हमारा अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनके सभी लोग मिलजुल कर और जो भी कोई सूचना होगी वहाँ पर इसीलिए एक सेटदार एक वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है जिसके नीचे लोग हमारे बैठे रहेंगे, मोबाइल नंबर उनके लिखे रहेंगे, जिससे किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है और आशा बहु हर घर को एक दिन के बाद हर तीसरे दिन उस घर पर जाकर चेक करेगी, किसी को खांसी तो नहीं आ रही, किसी को बुखार तो नहीं आ रहा, किसी को अन्य समस्याएं तो नहीं है, मतलब उस घर में रहने वाले सबके बारे में वो जानना जानकारी करती रहेंगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं है। इसके साथ साथ जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वहाँ पर जो एक विशेष सफाई अभियान चलेगा जो इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहायक सिद्ध होगा, एक हम उस अभियान को भी चलाते रहेंगे बहुत तेज़ी से। तो वो सुपरवाइज़र और हमारे जो ZSO हैं, जोनल सैनिटरी ऑफिसर हैं, जो हमारे चीफ सैनिटरी ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को सबको देखेंगे कि वहाँ जो है सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। खान पान की व्यवस्था के लिए लेखपाल हैं हमारे हैं, अमीन हैं, ये हमारे प्रशासन के अन्य अधिकारी होंगे जो इस व्यवस्था को देखेंगे कि वहाँ पर कायदे से सारी व्यवस्थाएँ मुकम्मल तौर पर मौजूद रहें, किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो खान पान की व्यवस्थाएँ हों, चाहे सब्जी हो, चाहे उसमें दूध हो या अन्य जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं वो सबको समय से हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। और निश्चित रूप से यह एक व्यवस्था जो बनी है और जिस पैमाने पर सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों के सहयोग से, माननीय पार्षदगण और समस्त अधिकारीगण के सहयोग से हम लोग कोरोना के संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।